क्या कर रहे हैं पापा? सब कुछ खा रहे हैं बेटा। क्या खा रहे हैं पापा? अंडा खा रहे हैं बेटा। और क्या खाते हैं पापा? मुर्गी खाते हैं बेटा। और क्या खाते हैं पापा? मुर्गा खाते हैं बेटा। और क्या खाते हैं पापा? कबूतर खाते हैं बेटा। पंडुक खाते हैं बेटा। और क्या खाते हैं पापा? पठरू खाते हैं बेटा। बकरी खाते हैं बेटा। हिरन भी खाते हैं बेटा। आदमी भी खाते हैं पापा? नहीं नहीं आदमी नहीं खाते हैं बेटा। कोई आपको खा जाएगा पापा तब पापा? क्या बकता है, मुझको कौन खाएगा? क्योंकि आप अंडा खा जाते हैं, मुर्गी खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, कबूतर खा जाते हैं, पंडुक खा जाते हैं, पठरू खा जाते हैं, बकरी खा जाते हैं, हिरन भी खा जाते हैं, तो बाघ भी आपको खा जाएगा पापा। अरे बाघ क्यों मुझको खा जाएगा? बाघ का खाना मुर्गी, मुर्गा, कबूतर, पंडुक, पठरू, बकरी, हिरन सब आप खा जाते हैं, तो बाघ भी आपको खा जाएगा पापा। और बाघ किसको नहीं खाएगा? जो भात दाल सब्जी खाता है, फल खाता है, मट्ठा पीता है, शरबत पीता है, रस पीता है, उसको नहीं खाएगा पापा। तो क्या बाघ केवल मुझको ही खा जाएगा और किसी को नहीं? नहीं नहीं केवल आपको ही नहीं, उन सभी को जो आपकी तरह ही सब जानवर खाता कचरता है पापा। तो बाघ भी तो सबको मार कर खा जाता है, कचड़ जाता है, तो उसका कौन मारेगा? मैं किसी को मार कर नहीं खाऊंगा। खाऊंगा तो केवल दाल भात रोटी सब्जी फल आम अमरूद संतरा नारंगी केला दूध दही मट्ठा और बहुत बड़ा पट्टा बनकर बाघ को केवल पटक कर मार दूंगा पापा, मगर उसको एकदम खाऊंगा नहीं, ताकि मुझको भी उसकी तरह मार कर कोई खा न जाए एकदम आपकी ही तरह पापा।